वैसे तो आम तौर पे इस नशिस्त में सवालात और जवाबात का मामूल नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं दफ्तर में दो दिनों में बाकायदगी से बैठता हूँ और जिन अहबाब को मुख्तलिफ मसाइल दरियाफ्त करने हों और किसी मसला पर तबादला ख्याल करना हो तो उसके लिए बेहतर और मौजू वक्त दफ्तर है। लेकिन ये जो दो सवाल इस वक्त आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये अहम हैं, तो इनका जवाब देना यहाँ ही ज़रूरी है। सो मैं इसी मौका पर इनका जवाब अर्ज करना चाहता हूँ। आप अहबाब अच्छी तरह समझ लें, ज़ेन नशीन फरमा लें और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े इस तसव्वुर को कमा हक को बयान फरमाएं। एक तो मुख्तसर है और वो सवाल ये है कि सुनने में आया है कि मुझसे पूछा गया कि आप दावत इस्लामी से मुतालिक कोई अच्छा ख्याल नहीं रखते, वजाहत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, मुझे ताज्जुब है कि ये किस तरह सुनने में आया और किसने ये बात कही। मैं अल्लाह के फजल व करम से दावत इस्लामी, उसका काम और उसके नौजवान, इनकी निस्बत न सिर्फ अच्छा ख्याल रखता हूं बल्कि उनसे मोहब्बत करता हूं और उनकी कामयाबी और कामरानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआगो रहता हूं। बल्कि सच बात यह है कि दावत इस्लामी के ये नौजवान जब अमामा बांध कर मुझे मिलने के लिए आते हैं और मैं इन्हें देखता हूं और फिर ये जब नमाज पढ़ते हैं और दीन के साथ इनका एक शगफ, इनका इन्हिमाक, इनकी मोहब्बत और इनके जज्बे को मैं अपनी आंखों से देखता हूं, इनसे मिलते हुए जितनी मोहब्बत और खुशी दिल में मैं महसूस करता हूं मैं उसका बयान नहीं कर सकता। ये बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का मामूल है कि वो गलत और बेबुनियाद बातें इस तरह की फैलाकर दिलों में मुनाफरत और कुदूरत पैदा करते हैं। अल्लाह पाक हमें ऐसे शर और फितना से महफूज करे। मैं दावत इस्लामी के काम को अपना ही काम समझता और खुद को उनका एक अदना सा नौकर और अदना सा खादिम समझता हूं, इसलिए कि वो अल्लाह के दीन की राह में सिद्क और इखलास के साथ काम कर रहे हैं। और इस तरह और भी अब ऐसी बात भी मैंने सुनी, ये तो आज इत्तेफाक से आपने एक बात पूछी, मेरे पास कई खतूत आए, उनमें था कि मेरी निस्बत किसी ने कहा कि हमें बाद लोगों ने कहा कि कादरी साहब अंजुमन तुलबा इस्लाम के निस्बत अच्छा ख्याल दिल में नहीं रखते और बल्कि ये कहा कि कारवाने इस्लाम उन्होंने जो कायम की है ये अंजुमन तुलबा इस्लाम को माज अल्लाह नुकसान पहुंचाने के लिए कायम। आप में से भी बाजों ने कभी ऐसी बात सुनी कि नहीं? खैर, मुझे खतूत आए और बहुत से लोगों ने सवाल किए। तो ये इल्ज़ाम या ऐसी बात भी बिल्कुल उसी तरह बेबुनियाद और फकत दिलों में कुदूरत और मुनाफरत पैदा करने के लिए, अंजुमन तुलबा इस्लाम हो या दावत, इन नौजवानों का दीन के साथ शगफ, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत और लगन, ये मेरे दिल के सुरूर का और आंखों की ठंडक का बायस है।
और अंजुमन के नौजवानों के लिए मैं हमेशा दुआगो रहा हूँ, दुआगो हूँ और दुआगो रहूंगा। तो यानी मेरी मेरी समझ से भी बालातर है ऐसी बातों का तसव्वुर, बल्कि इस किस्म का सूए जन और ऐसा नेक काम करने वाले नौजवानों के लिए ऐसी बदख्याली अगर मेरे दिल में आए तो मैं इसे कुफर से भी कम तसव्वुर नहीं करता। इतनी ताज्जुब की बात है। लेकिन ये बात ये नशीन फरमा लें कि ये मामूल है बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का कि लोग कदूरत, मुनाफरत, चपकलिश और बदगुमानी पैदा करने के लिए इस किस्म के वसाविस वसवसे पैदा करते रहते हैं। और ऐसा वसवसा पैदा करना एक शैतानी फेल, युवस्विसु फी सुदूर इन्नास मिनल जिन्नत बनना, ये शैतानी फेल। अगर कभी भी आप सिर्फ मेरी जात की निस्बत नहीं, किसी की निस्बत, किसी शख्स की निस्बत ऐसी कोई बात सुने और वो शख्स जिंदा हो, इससे बेहतर हल और क्या है कि बराह रास्त उससे सवाल कर लें। यानी बजाय उसके बारे में राय कायम करने के और बगैर तहकीक के एक सूए जन का गुनाह करने के, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि बिलमुशाफा मिलकर उससे सवाल कर लें, खत लिखकर उससे पूछ लें, बराह रास्त उससे दरियाफ्त कर लें, बशर्ते के एतमाद और दिल को साफ करना मकसूद हो, फिर सब मुगालते दूर हो सकते हैं। लेकिन दिल को साफ करना मकसूद न हो और ये बात महज तान की गरज से हो तो फिर आप 100 बार पूछते फिरें, दिल साफ नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को कदूरतों से पाक फरमाए।